पोहरी के महाविद्यालय प्रांगण में स्वर्गीय कैलाशवासी माधव राव सिंधिया की स्मृति में राठखेड़ा युवा टीम के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा अमित यादव ने फीता काट कर किया। यहां सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंच संचालन भरत सिंह धाकर शिव कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। यहाँ मैचों में कमेंट्री आकाशवाणी भोपाल के विकास यादव द्वारा की गई। यहाँ मुख्य अतिथि ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराया, जिसके बाद महाविद्यालय प्रांगण में छायादार वृक्ष रोप कर वृक्षारोपण किया गया, जहां टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पोहरी पैंथर और बिलपुरा के बीच खेला गया, जिसमें पोहरी पैंथर की टीम ने 34 रनों से पहला मुकाबला जीता, जहां महाविद्यालय के प्राचार्य एपी गुप्ता ने मैन ऑफ द मैच को शील्ड प्रदान की। समस्त अतिथियों का आभार यहाँ राजमंत्री सुपुत्र जीतू राठखेड़ा ने व्यक्त किया। यहाँ युवा टीम द्वारा टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण की व्यवस्था कराई गई थी, जिसका क्षेत्रवासियों ने घर बैठकर आनंद लिया। बोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रहती है, लेकिन जब क्रिकेट का नाम आता है तो गली गली में लोगों में जोश आ जाता है। और आज जब क्रिकेट हमारी बोहरी में एक बड़े स्तर पर होने जा रहा है और हमारे कैलाशवासी बड़े महाराज जी के याद में इसको हमारे मंत्री राठखेड़ा जी इसको करवा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे सभी लोग, हमारे पोहरी की पूरी जनता इस चीज के लिए लगी हुई है। और यहाँ पे 16 टीमें आ चुकी है। 16 टीमों के साथ साथ में आज हम इसका उद्घाटन पोहरी वर्सेस बीलपुरा के बीच में मैच करवाकर आरंभ कर रहे हैं। अन्य वो मेरे युवा साथी जिन्होंने मेरा जोश जज्बा और ताकत आप सब पर। आज मंच पे मेरी बड़ी बहन आदरणीय दीदी नेहा दीदी हम सबके बीच मंच को स्वाभाविक बना रही हैं। मेरे भैया जी अमित यादव जी भी मंच पर साथ में विराजमान हैं और मंच पर सभी मेरे पिता तो मेरे युवा साथी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ रखता हूँ।